हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल एजे फूड सफारी। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एजे किचन में कढ़ी की रेसिपी। सो गाइस, ये कढ़ी जो है ना, ये थोड़ी अलग सी यूनिक सी कढ़ी होने वाली है। रेसिपी पूरा देखें जिससे आपको पता चलेगा कि ये आम कढ़ी से अलग कैसे है, पर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पर ली हुई है सहजन की फलियाँ। तो मोस्टली आप सहजन की फलियों की सब्जी ही खाते हैं, बट आज हम बनाएंगे इसकी कढ़ी जो बहुत ही टेस्टी होगी। तो इस तरीके से आप सहजन की फलियों को साफ़ कर लें, कट कर लें, जैसे आप सब्जी बनाने के टाइम पे इसे साफ़ करते हो और कट करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे हम। तो यहाँ पे सहजन की फलियाँ मैंने साफ़ कर ली हुई हैं, इसको रख देंगे साइड में। और अब हमने लिया है एक मिक्सर जार और इसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल। तो 2 चम्मच चने की दाल को रात में पानी में भिगो के रख दिया हुआ था, या आप 1 घंटे 2 घंटे पहले भी भिगो के रख सकते हो। और उसके बाद साथ साथ इसमें ऐड करेंगे 5-6 काली मिर्च, 1 कटोरी दही। तो दही आज आप ताज़ा लें, अगर आप खट्टा ले रहे हैं तो आप 1/2 कटोरी लें। और इसके बाद हम एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो कढ़ी का पेस्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। और चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है कढ़ाई, और कढ़ाई में अब हम ऐड कर देंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना, राई दाना, जीरा। तो क्वांटिटी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लें। 1 लाल मिर्च ली हुई है साबुत, जिसके 2 टुकड़े कर लिए हुए थे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से करी पत्ते। तो करी पत्ते आप तब डालें ना जब ये थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाएं सारी चीज़ें। करी पत्ता ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज की स्लाइसेस, लंबी लंबी टुकड़ों में कटी हुई। और बस अब इनको हमें तब तक फ्राई करना है जबकि हल्का सा इनमें क्रंचा नहीं आ जाता। 1-2 बार ऐसे चला दें और उसके बाद आप इसमें सहजन की फलियां ऐड कर दें। फली ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मिला लें और इसको अब कवर करके आप बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आप कुक होने दें। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप तब तक कुक करें ना जब तक ये इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो फलियां हमारी यहाँ पर अभी पक रही हैं और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो जो बैटर हमने बनाया हुआ था चने की दाल का, इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सारा बैटर हम जो है ना एक थोड़े बड़े से बाउल में हम निकाल लेंगे। और इसके बाद चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे कढ़ी में डालने वाले मसाले। तो इस बैटर को अच्छे से फेंट लिया है और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को आप एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लें। फेंटने से क्या होता है, कढ़ी थोड़ी और अच्छी बनती है। तो ये लिक्विड जो हमारा है ये तैयार हो चुका है। चलिए देख लेते हैं हमारे सहजन की फलियों का क्या हाल है। तो फलियाँ जो हैं हमारी, ये कुक हो चुकी हैं, 80% तक ये कुक हो गई हैं। तो देखेंगे फली का जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। और अब हम इसमें ये लिक्विड ऐड कर देंगे। तो चने की दाल का और मसालों का जो ये लिक्विड है हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और इसके बाद इसको हम तब तक चलाते हुए कुक करेंगे जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आने लगते। तो जो कढ़ी वगैरह बनाते हैं उनको पता है कि अगर हम चलाएंगे नहीं तो दही फट सकता है। अच्छा, नमक हम पहले नहीं ऐड करेंगे, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से भी कढ़ी जल्दी फट जाती है। तो इस तरीके से देखेंगे कि अब कढ़ी में बबल्स आने लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करके कम से कम आप 15 मिनट तक इसे इसी तरीके से खुला ही पकने दें। कढ़ी जितना ज़्यादा पकती है उतना ज़्यादा अच्छा उसमें टेस्ट आता है।
तो 15 मिनट बाद आप देख सकते हो कि ये जो कढ़ी है कितनी थिक हो चुकी है, यानी मोस्ट ये कढ़ी जो है ये अब बन के रेडी हो चुकी है। और जो कढ़ी का रस है ना वो सारी फलियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम लगाएंगे इसमें एक तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पे गैस में पैन पे हम तेल ऐड करेंगे, आप घी ऐड करेंगे, जो भी आप ऐड करना चाहो। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे हींग डालेंगे, लाल मिर्च, इसके साथ ही साथ यहाँ पे करी पत्ता, जीरा डाल लें आप। और इसके बाद हम इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगा देंगे। तो तड़का आप इससे भी ज़्यादा भी लगा सकते हो, कुछ और भी ऐड करना चाहो तड़के में ऐड कर सकते हो। तो हमारी ये जो सहजन की फली की कढ़ी है ये बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी कढ़ी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करो। अब इसको थोड़ी बनाओ पर बनाओ ज़रूर। तो ऑलवेज मेड फ्रेश, ईट हेल्दी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग AJ फूड सफारी।